अच्छा, देन उसके बाद ये हो सकता है कि अगर हम लोगों ने वैल्यू को डिलीट करना हो तो वैल्यू डिलीट कैसे होगी? एक और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं डिलीट के नाम से, डेल क्यूरी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और देन यहाँ पे हम लोग वो क्यूरी लिख लेते हैं डिलीट। अब डिलीट आपने करना है, लेकिन किस टेबल से करना है वो आप लोग बताना है। डिलीट फ्रॉम टेबल कौन सा है आपका? पर्सन, ठीक है। अब आप लोगों ने पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना है या फिर स्पेसिफिक कोई रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिलीट, अगर तो स्पेसिफिक पूरे का पूरा टेबल आप लोगों ने डिलीट करना है तो फिर आप लोग डिलीट फ्रॉम पर्सन कर देंगे, वेयर आगे फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर आप लोगों ने टेबल फुल डिलीट नहीं करना तो देन आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि वेयर स्पेसिफिक कंडीशन बताएंगे, वेयर स्पेस लाइक हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं वेयर एज इक्वल टू 20, और देन ये क्यूरी हम लोगों ने लिख ली है। अब देन यहाँ पे डेटाबेस में अगर आए तो हमारे पास, हम देख लेते हैं वैल्यूज, तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस में ये तीन रोज इंसर्ट हुई है। पहले दो में आपके पास एज 29 है और देन थर्ड में आपके पास 20 है। इट मीन्स कि थर्ड रो आपकी डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन कोड में आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ये खत्म कर दिया था। अब यहाँ पे आपके पास जो जिस डेटाबेस को हम लोगों ने एक्सेस करना है वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी इस वेरिएबल में आपके पास, ठीक है, डीबी के वेरिएबल में, और देन जो क्यूरी एक्सिक्यूट करवानी है वो आपके पास इस वेरिएबल में, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल के पास है। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट की जगह आप यहाँ पे डेल क्यूरी कर देते हैं। अगर तो आपके पास ये फंक्शन सही एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर तो आपके पास जो क्यूरी है वो यहाँ से वो उसको डिलीट कर देगी इंफॉर्मेशन को। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो फिर आपके पास ये एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। आप टेस्ट डॉट पी एच पी के नाम से हम लोगों ने ये फाइल यूज की हुई है। तो अगेन ब्राउजर में हम लोग आते हैं, देन यहाँ पे ऊपर आप लोग प्रैक्टिस के बाद जो आपका फाइल है टेस्ट डॉट पी एच पी, तो अब आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट, एरर देख लेते हैं अब ये एरर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग गलती ये कह रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम की जगह डिलीट फॉर्म लिख दिया, तो इस वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर्म की जगह यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे, देन इसको सेव करें, और देन हम लोग ब्राउजर पे आते हैं, देन इसको एक्सक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट प्रैक्टिस और टेस्ट डॉट पी एच पी की फाइल है, इसको एक्सक्यूट किया तो आपके पास यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपकी वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई होगी। अगेन हम डेटाबेस पे आते हैं, आपकी ये वैल्यू जो है यहाँ पे, अब क्योंकि हमने एज इक्वल टू 20 लिखा था तो अब ये वैल्यू जो है वो डिलीट हो जानी चाहिए। इस ब्राउजर पे, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है, सक्सेसफुली आपकी वैल्यू जो है वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह इस क्यूरी के थ्रू आप लोग वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।